हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने फिजिक्स के चैनल पे, जहां पे हम एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं। और मैं बिल्कुल भी टाइम पास ना करते हुए आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े से बड़े लेक्चर के लिए आपका स्वागत करता हूं। दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। हम एसी वोल्टेज में एसी सर्किट में है और एसी सर्किट्स का पिछले लेक्चर्स का सारे लिंक मैंने क्या कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहा है ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और दोस्तों आपकी सबकी दुआ से हमारे 6000 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो के पहले कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चैनल को हेल्प करना चाहते हैं, मुझे बहुत लोगों के मैसेज भी आते हैं और चैनल को हेल्प की ज़रूरत भी है, क्योंकि मैं आई एम मेकिंग दिस वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पूरा सिलेबस भी आपका कवर अप कर दिया है। तो किसी को अगर फ़ोन पे अगर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। प्लीज़ हेल्प कीजिए, जो भी बने योर ईच रुपी विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जो हम यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर कॉइल, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस में हमें कोई अपोजिशन अलग दिखा नहीं था, जिसमें हमने ई जीरो साइन ओमेगा टी और आई जीरो साइन ओमेगा टी दोनों फेजेस क्या कर रही थी, चेक करी थी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने ई एम एफ कंसिडर किया है और इंडक्टर भी कंसिडर किया है। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को चेक कर रहे हैं कि ई से तो ई जीरो साइन ओमेगा टी कंसिडर हो ही रहा है, ई जीरो साइन ओमेगा टी तो कंसिडर हो ही रहा है। अब ई जीरो साइन ओमेगा टी ई एम एफ का है। अब इंडक्शन कॉइल क्या करता है, तो इंडक्शन कॉइल में ऑटोमेटिकली इंडक्शन प्रोड्यूस होगा बेटा, और अगर उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसमें एक अलग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, बिकॉज इट इज ड्यू टू इंडक्शन, तो उसमें एक अलग इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इस सर्किट में दो ईएमएफ तैयार होंगे, एक ईएमएफ रहेगा इस साइड में और एक ईएमएफ रहेगा इस साइड में। आप ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। अब ये अपोजिट क्यों हो गए ईएमएफ, क्योंकि इसका जो इंडक्शन है वो इस ईएमएफ के वजह से होने वाला इंडक्शन है, इसलिए तो उसे इंडक्शन कॉइल कहा गया है। और ये ईएमएफ तो ई जीरो साइन ओमेगा टी है। तो इस सर्किट में हम ऐसा कह सकते हैं, देखो मैं रफली एक बार आपको बताता हूं हम कैसा कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, समझ लीजिए ई प्लस ई डैश इज इक्वल्स टू जीरो, समझ लीजिए एल इंडक्शन में तैयार होने वाला जो ईएमएफ है उसे हमने ई डैश कंसिडर कर लिया और उसे हमने क्या कर लिया ई डैश पकड़ा और ये हमारा ईएमएफ हो गया। तो ये हो गया एसी जनरेटर का, ये हो गया इंडक्शन कॉइल का, इज इक्वल्स टू जीरो। इज इक्वल्स टू जीरो क्यों, क्योंकि टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट ऑलवेज रिमेंस जीरो, ऐसा बन गया। तो हम इसे लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या बन गया, ई डैश बन गया। ओके तो ये इंडक्शन कॉइल में अगर बना है तो ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंडक्शन के रूल के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी। ये हम प्रॉपरली लिखेंगे लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कहां से लाया, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बेटा, आसान है, ई इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब आप कहेंगे कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो मैं वही कह रहा हूं बेटा कि हम ये पढ़ चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हमें ई एम एफ की वैल्यू नहीं निकालनी, अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी। तो वैल्यू क्या बनेगी, डी आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब E की वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे, E जीरो साइन ओमेगा टी, L वैसा का वैसा रहेगा और DI को I तक लेके जाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ DI इज इक्वल्स टू, समझ लीजिए इंटीग्रेशन की टर्म लिख ही लेते हैं, तो इसे अच्छे से लिखने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ E जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, DT। अब इसका इंटीग्रेशन जब निकलेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको वे बता दिया कि क्या हो रहा है, ये दो ईएमएफ कहां से आए, एक तो एसी जनरेटर का ईएमएफ है, ये तो ये हमें समझना चाहिए इस एक क्वेश्चन में, यही इंपॉर्टेंट, एक तो एसी जनरेटर का ईएमएफ है और दूसरा ईएमएफ इस एसी जनरेटर के वजह से इस कॉइल में जो सेल्फ इंडक्शन हुआ है इतनी वैल्यू का, वो ईएमएफ है। अब ये दोनों ईएमएफ तो वहीं पर रहेंगे ना, ये दोनों ईएमएफ वहीं पे रहेंगे और टोटल ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर्किट की, जीरो हो जाएगी। अगर वो जीरो हो जाएगी तो हमने वही इक्वेशन लिख लिया। वो जीरो क्यों हो जाएगी बेटा, एक लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करके, तो वो कहता है कि ई प्लस ई डैश इज इक्वल्स टू जीरो, दैट समीशन ऑफ ऑल द ईएमएफ इन द सर्किट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। ओके तो बस एक इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन एल कॉन्स्टेंट आएगा, ई जीरो कॉन्स्टेंट आएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया, वो कॉस आए कॉस में चला गया, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। ओके तो ये तो आसानी से आगे की टर्म तो हो ही जानी है, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट बात है ये जो हमें समझ लेना है। आ गया बेटा ये समझ में।
तो उसे एक बार लिख देखते हैं कैसे लिखना है, और लिखते टाइम भी आपको बहुत अच्छे से समझेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि लिखते टाइम भी आपको समझेगा। मैंने बस इसलिए पहले ये ऐसा बता दिया कि बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सारे वीडियोज है यूट्यूब पे जिनमें लोग बहुत टाइम पास करते हैं, तो हमें टाइम पास नहीं करना है बेटा, हमें पढ़ाई करनी है, मुझे ज्यादा कुछ आपसे नहीं चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम लिखना कैसा है उसे देखते हैं। तो चलिए लिखना कैसा है इस पे भी एक बार ध्यान देते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमने क्या लिखा है कि डायग्राम निकालिए, फिर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल हमने लिखा ई डैश इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अगर ये थोड़ा सा दब गया है तो इसे हम एक बार क्या करेंगे, स्क्वेयर ब्रैकेट में भी लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ई डैश इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये तो हमने लिख ही दिया, फिर उसको क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट निकाल लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। इट इज एल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये कैसे आया वो तो आपको पता है, वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। अब ये हो गया कौन सा ईएमएफ, बैक ईएमएफ, इसे कहा गया बैक ईएमएफ। यानी ये दो ईएमएफ हो गए, एक हो गया ई, एक हो गया ई डैश। इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंबाइन करके सेम जीरो हो जाएगी। तो बाय क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसी को जिसको पता नहीं है उसे कह देता हूं कि सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज जीरो। ऐसा समझ लीजिए आप अभी कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड ऑल द ईएमएफ इज जीरो, ये है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ई प्लस ई डैश इज इक्वल्स टू बन गया जीरो। तो हमें ई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश किया क्योंकि हमें डी आई की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने एक अरेंजमेंट क्या किया, ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डैश, ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हमें क्या इक्वेशन मिलाई थी यहाँ पे कि E इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, तो डी आई की वैल्यू निकालनी है। डी आई की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें करंट के ही बारे में देखना है कि एसी वोल्टेज अप्लाई करके क्या होता है। ओके, तो इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो डी आई इज इक्वल्स टू ई बाय एल इंटू डी टी। अब इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पे तो करंट मिल ही गया, इसका इंटीग्रेशन तो आए समझ लीजिए मिल गया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा एल मल्टीप्लाइड बाय डी टी। अब मैं हर एक स्टेप अलग अलग पेन से लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये स्टेप अलग है, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम होती है। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई जीरो कॉन्स्टेंट है बेटा, एल कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों स्क्वायर रूट के, ये हमारे इंटीग्रेशन के बाहर अगर निकल गए तो क्या बन जाएगा, ई जीरो अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा यहाँ पे, साइन ओमेगा टी अपॉन कुछ भी नहीं ना, साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन ओमेगा टी का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम स्टेप क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू ई जीरो अपॉन एल, तो वैसा ही रहेगा ई जीरो अपॉन एल इंटीग्रेशन क्या मिला, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। प्लस क्या मिलेगा बेटा, कॉन्स्टेंट। लेकिन एक याद रहना कि एसी सर्किट्स में कांस्टेंट की वैल्यू हम हमेशा जीरो ही कंसीडर कर लेते हैं। ओके, बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे जीरो ही पकड़ेंगे। तो हमारे पास आई मिल गया बेटा ई जीरो, और माइनस पे पकड़ लेंगे, माइनस ऑफ ई जीरो अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा फंक्शन क्या मिला, कॉस का, यहाँ पे फंक्शन कौन सा था, साइन का, और ये माइनस कॉस है, यानी ई कहा जा रहा है, आगे जा रहा है। आपको इस एक्सप्रेशन से एक एनालिसिस तो हो गया होगा कि क्या करना है, क्या आया है हमारा आंसर। देखिए माइनस कॉस आया है ना आंसर, तो माइनस कॉस आंसर आया है, यानी क्या, साइन में कॉस, साइन में और कॉस में कितना डिफरेंस है, पाई बाय टू का है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस पाई बाय टू का है। अब कौन लीड कर रहा है, तो ई एम एफ कैसा है, आगे जा रहा है, और आई जीरो कैसे जा रहा है, पीछे जा रहा है पाई बाय टू से, तो ये हम कह सकते हैं। तो इसे तो हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे ही, वो बात नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन तक आपको क्या करना है, लिख लेना है। समझ में आ गया होगा इसको यहां तक, तो यहां तक एक बार क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर मैं क्या करूंगा, ये सब मैं पोज दूंगा, और इस इक्वेशन के आगे हम लिखेंगे, इस इक्वेशन के आगे हम फेजर डायग्राम भी निकालेंगे, हम ग्राफ भी निकालेंगे, और ग्राफ और फेजर डायग्राम के बाद में इसमें यहाँ पे एक इंडक्टिव रिएक्टेंस करके एक अपोजिशन भी आएगा, जिसका भी टर्म मैं क्या कर लूंगा, एक्सप्लेन कर लूंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि सारा स्ट्रक्चर मामला क्या है। तो बस 5 मिनट और पढ़ते रहिए, इसे लिख लीजिए एक बार। तो चलिए हम यहां पे आए थे, इस फॉर्मूला तक हम आ गए थे। अब कॉस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, यानी साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। तो इसको वैसे लिखने की कोशिश करेंगे, माइनस ई जीरो अपॉन एल
साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा कि कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, या कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। माइनस माइनस साइन के क्या करेंगे हम, अरेंजमेंट करेंगे प्रॉपर, दैट इज आई इज इक्वल्स टू ई जीरो अपॉन एल, ई जीरो यहां पे ओमेगा रहेगा ना, ई जीरो अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा साइन ई जीरो, यहां पे भी ओमेगा बन जाएगा रह गया था, साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा पाई बाय टू। ओके, ई जीरो अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब इस वैल्यू को अगर वैल्यू मैक्सिमम कर लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, बट ई जीरो अपॉन ओमेगा एल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई जीरो, कौन सी वैल्यू है बेटा, पीक वैल्यू, यहाँ की टर्म तो पीक वैल्यू हो जाएगी ना, तो आई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब इस इक्वेशन को मेरे इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए जो ई में फॉला इक्वेशन था। अब ई में फॉला इक्वेशन था क्या, दैट ई इज इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब देखिए इन दोनों में कौन आगे है, ईएमएफ आगे है, ईएमएफ आगे है, एंड साइन पाई बाय टू से करंट कैसा है, पीछे है। तो हम इनका ग्राफ अगर निकालेंगे तो देखिए ग्राफ में क्या होगा चेंज, हाँ एक मिनट, ग्राफ हम अच्छे से इसको निकालने की कोशिश करेंगे क्या है। तो ग्राफ में क्या हो जाएगा, समझ लीजिए मुझे पहले ईएमएफ का ग्राफ निकाल लेना है, तो मैं पहले ईएमएफ का ग्राफ निकालूंगा, यहां पे होगा प्लस ई जीरो, यहां पे होगा माइनस ई जीरो, और ये बन गया मेरा ईएमएफ। तो इसे अच्छे से निकालेंगे जरा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये हो गया मेरा ग्राफ यानी टोटल ग्राफ बन गया, ये हो गया जीरो, ये हो गया पाई बाय टू, ये हो गया पाई, थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई। अब इसे मैं किस लिए नहीं लिख रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा ऑड ना लगे। और यहां पे क्या हो जाएगा, आई के लिए वैल्यू क्या बनेगी, यहां पे समझ लीजिए प्लस आई जीरो लिखा, यहां पे समझ लीजिए माइनस आई जीरो लिख लिया मैंने, लेकिन आई की वैल्यू शुरू कहां से होगी बेटा, माइनस पाई बाय टू से शुरू होगी, यानी जीरो के लिए कितना होगा माइनस पाई बाय टू बन जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी जब जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो होगा, तो वैल्यू कितनी बनेगी माइनस पाई बाय टू, यानी यहां से शुरू होगा ग्राफ। ओके, तो यहां से ग्राफ शुरू हो गया, ऐसा गया, ओके यहां तक आया, यानी फेज डिफरेंस कितना हमेशा हमेशा के लिए कितना बना रहेगा, पाई बाय टू का फेज डिफरेंस वहां पे कैसा है, बना हुआ ही है कंटिन्यूअसली। ओके, कंटिन्यूअसली फेज डिफरेंस कैसा है, पाई बाय टू से बना ही हुआ है, यानी इधर से गया इधर से आया ऐसे, यानी करंट बैक्स, और हम ऐसा लिख सकते हैं ईएमएफ लीड्स द करंट बाय पाई बाय टू, ईएमएफ लीड्स द करंट बाय पाई बाय टू। इसकी फेजर निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम कैसे निकलेगी, हमारे फेजर डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही होगा, फेजर, फेजर क्यों, अच्छे से देखिए फेजर कैसा निकलेगा, फेजर में एक लाइन होगी हमारी, ये लाइन होगी बेस लाइन बेटा, इस बेस लाइन से हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, एक ये हो गया हमारा ई जीरो, और इधर आ गया बेटा हमारा आई जीरो, और इन दोनों में एग्जैक्ट गैप कितना है पाई बाय टू का, यानी कितने डिग्रीज का, 90 डिग्रीज का है, बिकॉज ये एंगल कितना है ओमेगा टी, और ये पूरा डिफरेंस ये ई जीरो हो गया या आई जीरो हो गया। रेजिस्टेंस में ये इमेज कैसी आई थी, सेम आई थी। ओके, तो यहां पे हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि यहां पे ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, ऐसा हमने लिख लिया, और यहां पे आई इज इक्वल्स टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओके, तो ये बन गया हमारा फेजर। आंसर यहां पे खत्म नहीं होता बेटा, ये तो हमने कंक्लूजन निकाल लिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन अब इस अपोजिशन का क्या करें, पाई बाय टू का डिफरेंस जो आता है वो किसके लिए आता है, कैसे आता है, उसे एक बार हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे। उसे कहा गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो अपोजिशन है उसे कहा गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं, तो ये मैं आपको मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा बेटा। E is equals to E0, I is equals to E0 upon omega L, ये तो फंक्शन है, समझ लीजिए हमारे पास ऐसी टर्म है, E is equals to I is equals to E0 upon omega L। इसको किससे कंपेयर करेंगे हम, ओहम्स लॉ से, कैसे, V is equals to IR है कि नहीं, तो I is equals to क्या बना, V upon R। अब ये R यानी कौन सी टर्म होती है, अपोजिशन की, वैसे यहां पे
ये जो ओमेगा एल टर्म है ये कौन सी है, अपोजिशन की टर्म है। तो एक्स एल यानी इंडक्टिव रिएक्शन, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है कि नहीं, वो होता है यहां पे ओमेगा एल, दैट इज अपोजिशन। इसे कहा गया ओमेगा एल, उसकी वैल्यू होती है एक्स एल, बस यही आपको समझना है। दैट इज द अपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज इंडक्शन कॉइल। इस ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाय एल। अब मैंने एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो एफ इज फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एन की जगह हमने क्या लिख लिया, 2 पाई एफ लिख लिया। ओके तो ये भी एक स्ट्रक्चर है उसमें जो हम पढ़ सकते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आता कैसे है, क्योंकि ये अपोजिशन टर्म है, किससे कंपेयर कर लिया मैंने, ओम्स लॉ से कंपेयर कर लिया। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये स्पेशली बिल्डअप फॉर इंडक्टर। ओके, रेजिस्टेंस इज बिल्डअप फॉर रेजिस्टर, एंड कैपेसिटर इट इज बिल्डअप फॉर कैपेसिटेंस। वो आपको अगले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में आपको पता चलेगा। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, और ये इंडक्टर का थोड़ा लिखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत लिंदे और इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है बेटा। एक बार उसे लिख लीजिए, फिर एक बार उसे पढ़ेंगे, और फिर अगर आप फिर से वीडियो देखेंगे तो आपको इसका अच्छे से मायना समझ में आ ही जाएगा। तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इकोनॉमिक हेल्प भी करते रहिए, वी रियली नीड इट, और पढ़ते रहिए, मैं तो पढ़ाता ही रहूँगा। और फरवरी के इन तक हम क्या कर लेंगे, सब कुछ खत्म भी कर लेंगे, और बाद में मैं टेस्ट भी अपलोड करने वाला। ओके बेटा, तो पढ़ते रहिए, थैंक यू।